हेलो गाइस, कैसे हो। मैं दीपक आपको फिर से स्वागत करता हूँ मेरे टिप्स एंड चैनल पर। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से मतलब आपने जो मोबाइल की इनबिल्ट बैटरी आती है वो फूल जाती है या उनको हम मतलब उनको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, तो आप उनका बिल्कुल भी डोंट यूज़ बिल्कुल भी यूज़ ना करें। और मैं आपको उनकी मतलब बताने वाला हूँ कि किस तरीके से वो अपने को नुकसान पहुँचा सकती हैं और अपने लिए हार्मफुल हो सकती हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा कम्प्लीटली देखना, आपको बिल्कुल स्पेसिफिकेशन बताऊँगा, आपको ये समझाऊँगा कि मतलब ये मतलब अपने लिए किस प्रकार से डैमेज हो सकती हैं। और मैंने ये खुद मतलब आज एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, तो इस चीज़ को मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज़ वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कर। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको जो बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जो मैंने आपको अभी बताया, देखो इस बैटरी का आप किस तरीके से हाल देख सकते हो कि ये इस तरीके की बैटरी थी और इसको देखो किस तरीके से ये डैमेज हो चुकी है, बिल्कुल जल चुकी है। कल मेरे साथ क्या हुआ था कि इसका जो ये सर्किट था, आप इसका सर्किट भी देख सकते हो, ये सर्किट बिल्कुल शॉर्ट था, बहुत बुरी तरह से जल चुका है। और फ़ोन भी हमारा जल चुका था, बाकी हमारा फ़ोन तो सेफ रह गया, बाकी मेरे पास उस समय इस तरह की वीडियो बनाने का टाइम नहीं था। नहीं मैं आपको इसमें आग किस कदर जली थी मैं आपको दिखा सकता था, बहुत ही खतरनाक रूप से जली थी। तो सिंपली ऐसा होता क्या है दोस्तों कि हमको क्या करना चाहिए, जैसे ये बैटरी है, ये बैटरी में कभी कभी क्या है वोल्टेज भी नहीं बोलती है और ये चार्ज भी नहीं होती है। तो सिंपल हमको ऐसी बैटरी को यूज नहीं करना चाहिए, और जैसे रिकमेंड करते हैं कि इसमें छेद कर दो या वो कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अन्यथा इस तरीके का हादसा हो सकता है और हादसा हो जाएगा और अपने को मतलब इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, अपने शरीर को भी और वैसे भी। तो हमको सिंपली करना क्या चाहिए कि ये जो बैटरी है ना, ऐसी बैटरी को बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। अगर बैटरी डैमेज हो चुकी है, डोंट वर्क इट। और उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि वो मतलब ऑन होता था बंद होता था, ऑन होता था बंद होता था, मतलब टोटल एम्पेयर नहीं बना पा रही थी बैटरी। तो सिंपल हमको क्या है उसको सिंपली चेंज ही करना है, बिल्कुल भी न्यू का बिल्कुल भी न्यू ही रखना है, बिल्कुल ओल्ड का झंझट बिल्कुल भी नहीं रखना है, मैं आपको स्पेशली रिकमेंड करता हूँ। और दोस्तों मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन देने वाला हूँ कि इस मतलब इसको मतलब जो मैं आपको इसमें बैटरी के बारे में मैंने आपको बताया, ये बिल्कुल रियल है, आप इसको फेक मत समझना। और इसमें आग जली थी, मैंने इसमें खुद आग नहीं लगाई है, रियलिटी में इसमें आग लगी है। नोट 7S की बैटरी है ये रेडमी की। और दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस मैसेज को रिप्लाई करो, जो कि हमारे सभी टेक्नीशियंस भाई को पता चले कि इसमें ऑटोमेटिकली आग जली थी, ऑटोमेटिकली। और देख सकते हो मतलब बैक पैनल हटाते ही उसके मतलब आग लग गई थी। तो आपको इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ बिल्कुल भी। आप थोड़ा सा भी लॉस नहीं करें, आप बैटरी लगाएं और नई बैटरी ला के लगाएं, तो आप उससे सेफ रहोगे एंड बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो मेरी वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर जरूर करना इस वीडियो को दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, इस मैसेज को हर जगह पहुंचा दो। थैंक यू दोस्तों।